देखिए छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, हमने एक न, आ, कुछ रेजोनेंस पढ़े, एक और हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये स्पेशल रेजोनेंस है, एक और रेजोनेंस, और इस रेजोनेंस में क्या होगा, रेजोनेंस बिटवीन किसके बीच में, कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन अपने आप में क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड किसके बीच में ले रहे हैं, कार्बोकेटायन, और दूसरा हम ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया तो अगला इलेक्ट्रॉन रिच लेंगे, इलेक्ट्रॉन रिच कौन सा होगा, एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हैलोजन या कोई भी एन आयन, ओ माइनस, एन माइनस, एफ माइनस, इन सब के बीच में रेजोनेंस। ये भी रेजोनेंस है, लेकिन दोनों को एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेट में होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे यहाँ डेफिनेशन, इफ नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन आर प्रेजेंट इन कॉन्जुगेशंस, कॉन्जुगेशंस का मतलब बीच में कोई भी आपके पास sp3 हाइब्रिडाइज नहीं होना चाहिए कार्बन, आर प्रेजेंट इन कॉन्जुगेशंस ऑफ कॉन्जुगेशन विथ कार्बोकेटायन, देन रेजोनेंस टेक प्लेस। इफ नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन आर प्रेजेंट इन कॉन्जुगेशन विथ कार्बोकेटायन देन रेजोनेंस टेक्स प्लेस। तो यहाँ हमारे पास रेजोनेंस कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा, मेरे पास कार्बन है, इसके ऊपर प्लस चार्ज है, और यहाँ नाइट्रोजन है, इसके ऊपर लोन पेयर है, ठीक है। कार्बन पे प्लस चार्ज का मतलब वो क्या बन जाएगा, बोरोन, और बोरोन का मतलब तीन वैलेंसी, ठीक है। क्या यहाँ रेजोनेंस होगा, होगा होगा क्या, ये देखिए ये लोन पेयर यहाँ रख देगा, कॉन्जुगेशन ही तो है पक्का। अब क्या होगा, इससे इससे ये होगा कि आपके पास कार्बन, दिस 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 दिस, और एक जो पहले खाली पड़ा हुआ था बिल्कुल, अब इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगी, बॉन्डिंग हो जाएगी। तो ये भी रेजोनेंस है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं पक्का। इससे क्या होगा, नाइट्रोजन पे क्या चार्ज आएगा, प्लस डेल्टा, और इसके ऊपर क्या आएगा, माइनस डेल्टा, ये इसकी हाइब्रिड हो जाएगी। क्या ये सही बनाया मैंने माइनस डेल्टा, गलत, मैंने को यहाँ पर, मुझे यहाँ पर क्या लिखना था, प्लस डेल्टा। हुआ ये कि इसके पास प्लस चार्ज था और इसके पास कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, लेकिन लोन पेयर है, इसने अपना प्लस चार्ज इसके साथ शेयर कर दिया। तो अब क्या है, ये बेचारा दुखी इंसान है, इसने अपना दुख इसके साथ शेयर कर दिया, तो ये अब कम दुखी हो जाएगा और ये दुखी हो जाएगा थोड़ा बहुत। तो यही हमारे साथ यहाँ पर है, तो इसने अपना प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी इसके अंदर, इज दैट क्लियर, क्योंकि ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। इसने जैसे ही वहां डाला, नाइट्रोजन पे प्लस आ जाएगा और कार्बन का प्लस गायब हो जाएगा, तो ये इसकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगी। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये रेजोनेंस भी काफ़ी इफेक्टिव रहेगा। अच्छा, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा कि ये नॉर्मल से ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा ड्यू टू रेजोनेंस। तो आप मुझे बताइए एग्जाम्पल इस पर क्या बनेगा, आप ये देखिए ध्यान से, ये मेरे पास कार्बन प्लस है, यहाँ कुछ भी नहीं है, बेचारा नंगा भूखा है, ये हमारे पास दूसरा कार्बन है, इस पे भी प्लस चार्ज है, और यहाँ ऑक्सीजन है, ये तीसरा कार्बन है मेरे पास, और ये भी हमारे पास प्लस चार्ज है और यहाँ ऑक्सीजन है, ये एक और कार्बन है, ऑक्सीजन यहाँ है, प्लस है, तो ये हमारे पास ABCD चार हैं। कंपेयर स्टेबिलिटी, कंपेयर स्टेबिलिटी, तो आप बताइए आंसर क्या रहेगा, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, चारों ही कार्बोकेटायन है, क्या लगता है आपको, एक सेकंड के लिए, रेजोनेंस क्या यहां देखने को मिलेगा, नहीं, क्या यहां देखने को मिलेगा, नहीं, क्यों नहीं मिलेगा, बीच में sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है,
पक्का? क्या यहाँ देखने को मिलेगा? नहीं। क्या यहाँ देखने को मिलेगा? हाँ, पहली जगह मिला, क्योंकि ये लोन पेयर अपना दे देगा। तो सबसे ज़्यादा चार्ज किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? डी में। तो सबसे ज़्यादा कौन स्टेबल होगा? पहले इधर देख लीजिए, फिर लिख लीजिएगा। डी सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? डी। बोलो होगा या नहीं होगा? क्योंकि रेजोनेंस देखने को मिलेगा, ये अपना लोन पेयर यहाँ डाल देगा। पक्का? बाकी कहीं रेजोनेंस मिलेंगे? नहीं। उल्टा ये क्या करेगा? माइनस आई इफेक्ट देगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के कंपेयर में ज़्यादा है, ये भी माइनस आई इफेक्ट रखेगा, लेकिन क्योंकि इसमें माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा तो ये अनस्टेबिलिटी की तरफ मूव करेगा। क्योंकि देखिए, आपको भी मैंने बताया था कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के रिपेल कर रहे हैं, मतलब रिपेल का मतलब यहाँ पर एक दूसरे को अनस्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? तो अनस्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज, माइनस आई है, नेगेटिव चार्ज नहीं बोला, माइनस आई इफेक्ट है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज तो अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन पॉजिटिव और माइनस आई एक दूसरे को क्या करते हैं? अनस्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। पॉजिटिव और पॉजिटिव आई यानी प्लस आई एक दूसरे को क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। चोर चोर मोसेरे भाई, राजा राजा मोसेरे भाई, ऐसे ही कुछ मैंने बताया था आपको। तो यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है एक डी के बाद सीधा ए आएगा। क्यों? क्योंकि कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। फिर उसके बाद आएगा सी, और सी के बाद आएगा बी, सबसे कम स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट, वीक माइनस आई इफेक्ट। आप अब लिख सकते हैं नो इफेक्ट कोई भी नहीं है, और यहां क्या है एक तरह से प्लस आर इफेक्ट। ये प्लस आर इफेक्ट क्या है? जो लोन पेयर दे वो प्लस आर, और जो छीन ले वो माइनस आर। तो ये हमारे पास हो सकता है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, जो हमारे केटायन एनायन के लिए भी हमारे को समझा रहा है स्टेबिलिटी। तो आपको ये समझ में आ गया? ये अच्छा एग्जाम्पल था, कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ दिस। बच्चा गलत करेगा, बच्चा क्या गलती करेगा? इसमें सोचेगा सबसे ज़्यादा माइनस आई है, तो ये सबसे ज़्यादा अनस्टेबल है, जबकि इसमें क्या हो रहा है? उल्टा रेजोनेंस हो रहा है। तो जो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल दिख रहा था वो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया। तो बच्चा ये गलत करेगा ही करेगा अगर उसने नहीं पढ़ रखा है तो। और भी एग्जाम्पल है जो बच्चा गलत कर सकता है, देखिएगा। एक और एग्जाम्पल है कंपेयर स्टेबिलिटी। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन प्लस नाइट्रोजन, कार्बन प्लस नाइट्रोजन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, और एक को ले रहा हूं मैं, कार्बन प्लस नाइट्रो ऑक्सीजन। ये हमारे पास है ए बी सी डी ई। आपको क्या लगता है? चलिए थोड़ी सी मेहनत करिए और बताइए इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा। जोर से बोलिए। ए कैसे होगा बेटा? सबसे ज्यादा रेजोनेंस तो मुझे है ना बी में दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसके लोन पेयर देने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है ना, तो लोन पेयर देने की टेंडेंसी किसकी सबसे ज्यादा है? बी की। तो आपने तो बिरते ही आंसर गलत दिया। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? बी। फिर कौन है? ए। अब बताइए आगे, बी के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो लोन पेयर देने की टेंडेंसी क्या होगी? ज्यादा होगी। अब ये मत देखना कि ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है, नहीं, ज्यादा लोन पेयर ज्यादा अच्छा रेजोनेंस देंगे, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है शास्त्रों में। यही लिखा हुआ है आपके पास सिर्फ एक ही लोन पेयर होना चाहिए और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए? कम। इज दैट क्लियर? पक्का? चलिए ठीक है। तो सबसे ज्यादा कौन होगा? बी और फिर ए। क्या यहाँ रेजोनेंस है बाकी जगह? नहीं। अब आंसर किससे देंगे? इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट सबसे कम कहाँ लगेगा? ई में। डिस्टेंस फैक्टर वर्क करेगा।
पक्का बहुत दूर है, फिर किस में लगेगा? बचे कौन ऑप्शंस? सी एंड डी। मुझे लग रहा है सी ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? कम है, तो माइनस आई इफेक्ट भी क्या होगा? कम होगा। फिर कौन लग रहा है? अब तो बचा ही कौन सा? डी। इन सब में सबसे कम है डी। तो इन सब में तो आपने करा है कंपेरिजन किससे? बाय इंडक्टिव इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। और इन सब में आपने कंपेयर करा है इन दोनों में बाय रेजोनेंस इफेक्ट। आ रही है बात समझ में? और रेजोनेंस डोमिनेट है, तो इन दोनों में दोनों में ही रेजोनेंस है, लेकिन किस में ज़्यादा है? बी में। और किस में कम है? ए में। इन तीनों में ही रेजोनेंस नहीं है, तो फिर आप आंसर किससे दोगे? इंडक्टिव इफेक्ट से। लिख लिया आपने? अच्छे से लिखते जाओ। विच इज मोर स्टेबल? ये दो हमारे पास है, ए एंड बी। आपको क्या लग रहा है? क्या दोनों में रेजोनेंस है? हाँ, दोनों में ही रेजोनेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लगेगा यहां पर? कौन सा ज्यादा स्टेबल रेजोनेंस है? हमने बहुत ज्यादा रेजोनेंस को नहीं पढ़ा, लेकिन इतना आईक्यू तो है कि हम इन दोनों के हाइब्रिड बना लेंगे, या हम ए के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेंगे। तो यहां पर जब रेजोनेंस होगा ए में, तो अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगी? ये बन जाएगी, ये इस तरह मूव करेगा। यस और नो बोलो, करेगी या नहीं करेगी? बी। ये हमारे पास है, क्या यहां पर भी रेजोनेंस है? हाँ। क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी? प्लस। और ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे प्लस। वाह। तो अब आप बताइए कौन सा रेजोनेंस इफेक्ट ज्यादा इफेक्टिव होगा। मैं आपको एक बहुत सही तरीका बताऊं, इस रेजोनेंस में नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़े या कम हुए या वही रहे? वही रहे। इस रेजोनेंस में नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ गए, बॉन्ड इंक्रीज होगा तो वो डोमिनेट कर जाएगा, ठीक है? और डोमिनेट कर जाएगा तो ये स्टेबिलिटी ज्यादा प्रोवाइड करेगा, ज्यादा प्रोवाइड करेगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी, तो कौन सा आंसर ज्यादा जाएगा? बी। बच्चा ये सोच सकता है कि सर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज तो अनस्टेबल होगा, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं, कौन सा फैक्टर ज्यादा डोमिनेट करेगा? मोर नंबर ऑफ बॉन्ड्स या ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज? मोर नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है? तब आपके दिमाग में आएगा अगला पॉइंट कि सर हमें ये सारे फैक्टर लिखा दिए जाएं कि कम क्या डोमिनेट होगा। मैं अगला टॉपिक वही ले रहा हूं, हाउ कैन वी डिसाइड स्टेबिलिटी ऑफ दिस। तो यहां आपके पास मोर नंबर ऑफ बॉन्ड, जैसे ही बॉन्ड बने तो आंसर आप बिल्कुल सोच नहीं पा रहे थे, लेकिन आंसर जाएगा इसका ए और बी में, बी इज मोर स्टेबल कार्बोकेटायन, ऑक्सीजन से अड़ा हुआ, ठीक है? और अगर ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन ले लेते तो और भी ज्यादा स्टेबल हो जाता। समझ में आ रही है बात? तो ये चीजों को आपको पकड़ना पड़ेगा। और मैं अब जो लिस्ट लिखाऊंगा जिससे आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पर कमेंट कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो ये अपन ने सारे रेजोनेंस कर लिए, एक बार शॉर्ट रिविजन करते हैं कि हमने कौन कौन सा रेजोनेंस पढ़ा है, शुरू से स्टार्ट करते हैं, ओके? तो चलिए पहले ये लिख लो आप,